हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स का रिजल्ट कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया था। एंड जिन अब स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स को क्लियर किया है उनको फिल करना है DEF-1, दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो बात करें देखो अगर डेट्स की, तो डेट्स जो यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइड करी गई हैं 2006 जुलाई से लेकर 15 जुलाई। तो आपको इंश्योर करना है कि आप 15 जुलाई से पहले अपने DEF-1 को फिल कर लीजिए। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे काफ़ी पहले कर लीजिए, सो दैट कि अगर कोई लास्ट मिनट में आपका कोई टेक्निकल इशू भी आता है तो वो चीज़ आपको इम्पैक्ट ना करे, राइट? तो फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है यूपीएससी की वेबसाइट पर, वहाँ डैफ वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉरस्पॉन्डिंगली आपने उस चीज़ को वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना है। एक बार रजिस्टर कर लिया फिर आप लॉग इन करके अपनी रोल नंबर और पासवर्ड डाल के वहाँ पे आप अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है? एक मेजर डाउट जो स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर आता है कि क्या सर हम अपना सेंटर, ऑप्शनल सब्जेक्ट, इंडियन लैंग्वेज पेपर ए जो होता है, या मीडियम ऑफ एग्जाम चेंज कर सकते हैं? देन आंसर इज नो। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के अंदर ना यूपीएससी ने जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी गई हैं उसके अंदर 4.3 पॉइंट के अंदर ये स्पेसिफिकली मैंशनड है कि ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। देखो बात करें कि क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करनी है, तो देखो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ना जो हम डैफ फिल करेंगे बहुत सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेटेड होती हैं, यानी कि जो आपने प्रीलिम्स का एग्जाम फिल किया था ना तब उस टाइम से वहाँ से काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे ले ली जाएंगी, ठीक है? जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड कि क्या आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम की है या नहीं की है उस बेसिस पे, साथ ही साथ एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं तो मैं डेफिनेटली इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है? बाकी चीज़ें भी जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली पता है कि क्या इनमें फिल करना है। और कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड ही होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप कम्युनिटी को फिल कर सकते हो कि आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, ठीक है जी? उसके साथ ही जो कैंडिडेट्स ओबीसी कैंडिडेट हैं वहाँ पे उनको अपने सर्टिफिकेट नंबर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ यहाँ पे चीज़ें फिल करनी है। तो यहाँ पे इनफैक्ट ना आप यूपीएससी की जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी गई हैं इसके साथ उनको भी रीड कर सकते हो कि यहाँ पे आपको कैसे फिल करना है। फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है? अगर तब भी आपको कोई डाउट आता है, कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, तो आप यूपीएससी को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो इस नंबर पे। इसके अलावा भी और नंबर यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड किए हैं, या इस पे मेल आईडी पे भी आप मेल करके अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो यूपीएससी के द्वारा ही, ठीक है जी? उसके अलावा बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट और कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको भी अकॉर्डिंगली अब इस पर्टिकुलर चीज़ों के रिगार्डिंग ये चीज़ें फिल करनी है कि कास्ट क्या है या सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड अकॉर्डिंगली इस चीज़ को प्रोवाइड करना है, ठीक है? साथ ही साथ उसके अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो तो आपको भी कॉरेस्पॉन्डिंगली ये सारी डिटेल्स वहाँ पर भरनी पड़ेंगी, किसने इशू किया है, कब इशू किया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे स्क्राइब के रिगार्डिंग भी, अगर आपने ना जो उन्होंने स्क्राइब को अवेल किया है तो उसकी फैसिलिटीज़ के लिए भी आपको ये चीज़ फिल करनी पड़ेगी, ठीक है जी? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए और भी यहाँ पे डिफरेंट आपके लिए और चीज़ें हैं जो फिल करनी पड़ सकती हैं। उसके साथ ही देखो चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ एग्जाम, ये तो ऑलरेडी पॉपुलेटेड आएगा, ऑप्शनल भी, ये चीज़ें मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी पॉपुलेटेड ही मिलेंगी, ठीक है जी? एक्सप्लेनेटरी है कि फादर मदर की नेशनैलिटी, प्रोफेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? एनुअल इनकम हो गया, किस जगह को बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हो, राइट? ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे भी आप इन चीज़ों को देख सकते हो कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ों को हो सकते हो, ठीक है? या फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपका सर्टिफिकेट भी आपको फिल करना पड़ सकता है कि आपको प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है, तो आप ग्रेजुएशन का यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट भी आपको अकॉर्डिंगली रेडी रखना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ देखिए, ठीक है, बाकी आप जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनको आपको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंगली भी ना फिल करना पड़ेगा, जैसे 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, कितना CGPA है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। उसके साथ ही आपकी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग डिटेल्स, ठीक है जी, या फिर आपको यूपीएससी ने डिबार किया हो, ठीक है? उसके साथ ही अलग अलग एग्जाम्स लिए हैं, ठीक है ना, उसके अंदर आपके किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस रही है उसको यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है? कितनी बार अपीयर हुए हो इंक्लूडिंग दिस करंट अटेम्प्ट, तो उस चीज को फिल करना है, उनकी डिटेल्स को यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली फिल करना है, ठीक है? काफी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अपने रोल नंबर याद नहीं होते, तो रोल नंबर अगर याद नहीं है तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरो फिल कर सकते हो, ऐसा यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइडेड है, ठीक है जी? उसके साथ सर्विस में एलोकेटेड हो तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी, राइट? एंड कॉरस्पॉन्डिंगली कुछ एस्पिरेंट्स को यहाँ पे फीस पे करनी पड़ सकती है, जैसे 200 रुपया, ठीक है? फीमेल हो गया, SC ST PWBED कैंडिडेट्स, ये सारे एग्जेम्प्टेड है इस पर्टिकुलर फीस से। उसके साथ ही फोटो आईडी प्रूफ, जैसे हो सकता है आपका आधार कार्ड हो या और भी डिफरेंट डिफरेंट ना जो लिस्ट है वो यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइड करी गई है कि कौन सी चीज़ आप फोटो आईडी प्रूफ की तरह लगा सकते हो, वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और क्या है इसके रिगार्डिंग, देखो यहाँ पे ना और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी गई हैं कि आपको किस तरह की आपको यूज़ करनी है, जैसे
आपको जो भी कॉपीज यूज करनी है वो एक तरह से स्कैन्ड कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये चीजों का ना इंश्योर करना है कि जो पीडीएफ फॉर्मेट आप यूज करो उसकी जो साइज हो 1 MB तक हो, और साथ ही साथ 200 DPI ग्रे स्केल, ये इंश्योर करना है, ठीक है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, यानी कि आप जैसे ना 10th का आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। अगर आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है तो उसका सर्टिफिकेट, SC ST OBC के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे ना आपको इसके रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस है ना वहाँ पे भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। साथ ही साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हो गया, या अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट से हेल करते हो उसके लिए, ठीक है, डिसेबिलिटी के लिए हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कहीं ना उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो इसके रिगार्डिंग भी ना आप उसके इक्वलेंस जो होती है उन चीज़ों को भर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको यूपीएससी का, अगर आपका कोई स्पेशल केस है तो यूपीएससी को भी आप ना मेल डाल सकते हो या उनको कॉल करके अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो। साथ ही साथ आपने जो फोटो आईडी प्रूफ सेलेक्ट किया है, जैसे अगर आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो उसको अपलोड करना पड़ेगा, बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लाइज है उनको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास ना इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरह से 200 DPI स्केल ही होना चाहिए, ग्रे स्केल, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, एंड बाकी सारी चीजें भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें थी इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग जो यूपीएससी का DEF 1 है। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूं कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक डाउट्स हो यूपीएससी के इस DEF के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे जाके इन चीजों को, इस पर्टिकुलर कॉल पे जाके आप इन चीजों को, अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हो यूपीएससी के द्वारा ही। तो बेटर यही है कि 15 जुलाई से पहले ही आप इस फॉर्म को भर दो, ठीक है ना। बाकी इस पर्टिकुलर सेट में ना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। आपको जो हॉबीज होती हैं या आपकी सर्विस एलोकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारी मेंस के बाद आती हैं, तो उन पे उस पर्टिकुलर DEF पे अक्सर टाइम ज्यादा लगता है, पर यहाँ पर तो काफी बेसिक डिटेल्स पूछी जाती हैं, तो इन पे ज्यादा टाइम, आई होप आप नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, एंड आप इजिली इस फॉर्म को कहीं ना कहीं भर सकते हो। बाकी डाउट्स के लिए आई एम वेरी श्योर कि आप गलत चीजें भरने की जगह आप यहाँ पे इन चीजों को अपने यूपीएससी के द्वारा अपने डाउट्स को रिजॉल्व भी करवा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका देखो अब तो DEF भी आ गया है और आप जानते हो कि किस तरह से सितंबर के मिड में आपके मेन स्टार्टिंग है, तो आप अच्छी तरह से अब और भी तैयारी से जुट जाइए ताकि इंश्योर किया जा पाए कि इस बार मेन्स हम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकें। सो इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।